बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गेट जनरल पास पेपर जो कि 3 अप्रैल 2022 को कंडक्ट हुआ था उसके एनालिटिकल पोर्शन का पार्ट टू को डिस्कस करते हैं। ओके जी, 5 एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशंस फहद, हाशिम, जमाल, कलीम एंड मंसूर एंड 4 इनएक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशंस रहमान, सलमान, ताहिर एंड वकार मस्ट डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी असाइंड टू 4 वर्क टीम्स ऑफ एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रिशंस। ठीक है जी, 5 एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिशंस है, 4 नॉन एक्सपीरियंस इनएक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशंस है, उनको 4 ग्रुपों में तकसीम करना है। हर ग्रुप में 2 इलेक्ट्रिशंस होने चाहिए। अच्छा, रूल्स क्या है? ईच इलेक्ट्रिशन इज असाइंड टू एटमोस्ट 1 टीम। एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी हर एक इलेक्ट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा 1 टीम को असाइन हो सकता है। समझ आइए जी, एक इलेक्ट्रिशियन 2 टीम को असाइन नहीं हो सकता। हाँ, एटमोस्ट आया है तो इसका ये भी मतलब है कि ऐसा भी इलेक्ट्रिशियन हो सकता है जो किसी टीम में ना हो। ठीक है जी, एटमोस्ट का ये मतलब है। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिशियन किसी टीम में ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 टीम में हो सकता है, यानी कि एक इलेक्ट्रिशियन 2 टीम में नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन, एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रिशियन ऑन ईच टीम मस्ट बी एक्सपीरियंस। अब एटलीस्ट का मतलब है कम अज़ कम, यानी कि कम अज़ कम हर टीम में एक एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए। अब 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिशियंस भी एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम अज़ कम एक एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। मतलब ये है कि 2 इनएक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियंस एक ग्रुप में नहीं हो सकते। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि रहमान और सलमान एक ग्रुप में हो, या रहमान ताहिर एक ग्रुप में हो, या सलमान ताहिर एक ग्रुप में हो, या ताहिर वकार एक ग्रुप में हो, क्योंकि 2 इनएक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियंस एक साथ नहीं हो सकते। एक एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन का ग्रुप में होना ज़रूरी है। 2 एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक का होना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, नीदर मंसूर नोर रहमान नोर वकार कैन बी असाइन टू अ टीम विद फहद। फहद के साथ ना मंसूर हो सकता है, ना रहमान हो सकता है, ना वकार हो सकता है। अच्छा, मंसूर जो है वो खुद एक्सपीरियंस है, तो मतलब ये है कि अगर आप इन एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस को साथ में ले रहे हैं, फहद एक्सपीरियंस है और यहाँ से कोई इन एक्सपीरियंस उठा रहे हैं, तो फिर आप वकार को नहीं उठा सकते और ना आप रहमान को उठा सकते हैं। ठीक है जी, आप सलमान या ताहिर को उठा सकते हैं फ़िलहाल, लेकिन वो भी आगे देखते हैं, चाहे शायद कोई कंडीशन आ जाए जिससे हमें एक और हिंट मिल जाए। ठीक है जी, तो इसको ज़रा मैंने ऐसे ही लिखा है, ठीक है, रहमान, सलमान, ताहिर एंड वकार कैन नॉट बी टुगेदर। इसको मैंने ऐसे लिख दिया और ये भी लिख दिया कि इन केस ऑफ 1 एक्सपीरियंस एंड 1 इनएक्सपीरियंस, फहद कैन ओनली बी विद सलमान एंड ताहिर। क्यों? क्योंकि इधर लिखा है कि फहद रहमान वकार के साथ नहीं हो सकता, तो जब रहमान और वकार के साथ नहीं हो सकता तो सलमान और ताहिर ही रहेगा। ठीक है जी, अच्छा, इफ़ ताहिर इज़ असाइंड टू अ टीम, ईदर हाशिम आर कलीम मस्ट बी असाइंड टू डेड टीम। अगर ताहिर एक टीम में है तो हाशिम और कलीम का भी उस टीम में होना ज़रूरी है। देखिए, ताहिर इनएक्सपीरियंस है, इसके साथ एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जो एक्सपीरियंस होगा वो या हाशिम होगा या कलीम होगा, उसके साथ जमाल, मंसूर और फहद नहीं हो सकते। तो इससे हमें ये भी अंदाज़ा हो चला है कि फहद और ताहिर आपस में साथ में नहीं हो सकते। ठीक है जी, इधर रहमान और वकार का उसने बता दिया कि जी फहद के साथ नहीं हो सकते, अब ताहिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ताहिर जो है वो सिर्फ जमाल के साथ होगा या कलीम के साथ होगा, तो फहद के साथ ताहिर भी नहीं होगा। यानी कि फहद के साथ जो इनएक्सपीरियंस सिर्फ रह गया वो सलमान है। फहद के साथ सिर्फ सलमान इनएक्सपीरियंस हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। अच्छा, जमाल कैन नॉट बी असाइंड टू अ टीम विद रहमान। जमाल और रहमान आपस में एक साथ में नहीं हो सकते। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स हैं ना, इसको मैंने समराइज किया है। देखिए, 2 टीम्स है, एक्सपीरियंस कौन कौन से बंदे हैं वो मैंने लिख दिया, इन एक्सपीरियंस कौन कौन से बंदे हैं वो भी मैंने लिख दिया, और जो पॉइंट्स जो रूल्स है उसको मैंने ऐसे समराइज कर दिया कि रहमान, सलमान, ताहिर एंड वकार कैन नॉट बी टुगेदर। सलमान, ताहिर एंड वकार क्योंकि सारे इन एक्सपीरियंस हैं तो ये एक साथ में नहीं हो सकते, तो इस पॉइंट को मैंने ऐसे लिख दिया कि दे कैन नॉट बी टुगेदर। दूसरा ये कि अगर एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस 2 बंदे एक टीम में हैं और एक्सपीरियंस बंदा फहद है तो उसके साथ सिर्फ सलमान ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको इधर बताया गया है कि रहमान और वकार फहद के साथ नहीं हो सकते। ठीक है जी, अब जब रहमान और वकार नहीं हो सकते तो सलमान और ताहिर रह गए। फिर आपको बताया गया है कि अगर ताहिर किसी टीम में हो तो उसके साथ सिर्फ हाशिम और कलीम ही होंगे और कोई नहीं होगा, तो फहद ताहिर के साथ भी नहीं हो सकता, यानी फहद के साथ सिर्फ सलमान ही हो सकता है। ठीक है जी,
तो फहद कैन ओनली बी विद सलमान एंड ताहिर, ये तो पॉइंट थ्री है, लेकिन जब थ्री पॉइंट टू है, लेकिन जब थ्री पॉइंट हमने देख लिया कि ताहिर सिर्फ हाशिम और कलीम के साथ होगा, तो मतलब ये है कि ताहिर जो है वो फहद के साथ भी नहीं होगा। तो अगर एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस साथ में है तो ताहिर सिर्फ फहद सिर्फ सलमान के साथ होगा, और जमाल और रहमान आपस में साथ में नहीं होंगे। ठीक है जी, देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप रूल्स पे ज़्यादा टाइम गुजारे, जब आपने रूल्स सही तरीके से सीख लिए, जैसे हमने इस वीडियो में रूल्स पे ज़्यादा टाइम गुजारे, उसके बाद क्वेश्चंस आप एक मिनट में सारे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनएक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन हु कैन बी असाइन टू अ टीम विद फहद। देखिए ये मैंने लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ वन एक्सपीरियंस एंड वन इनएक्सपीरियंस फहद कैन ओनली बी विद सलमान, तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका सलमान हो गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? अगेन अगर आप रूल्स को देखें, रूल्स में आपको साफ साफ लिखा है कि फहद के साथ मंसूर रहमान वकार नहीं हो सकते, और ये जो रहमान वकार है ये इनएक्सपीरियंस है। तो जब रहमान वकार कट गए तो आपके पास सलमान और ताहिर रह गए, और तीसरे रूल में लिखा है कि ताहिर सिर्फ हाशिम और कलीम के साथ होगा। ठीक है, ताहिर यानी कि फहद के साथ नहीं होगा, तो आपके पास सिर्फ फहद और सलमान ही बचते हैं, तो इसलिए आपके पास इधर राइट आंसर सलमान है। फॉलोइंग इज़ अ लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन हु कैन बी असाइन टू अ टीम विद फहद। ठीक है, देखिए पहले केस में एक एक्सपीरियंस एक इनएक्सपीरियंस था, वो कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन कौन होगा जो कि फहद के साथ हो सकता है। देखिए हमने जो पॉइंट पढ़ा था कि एटलीस्ट वन इलेक्ट्रिशियन ऑन ईच टीम मस्ट बी एक्सपीरियंस, यानी कि एक टीम में कम अज़ कम एक इलेक्ट्रिशियन एक्सपीरियंस हो सकता है। अब दो भी तो हो सकते हैं, एटलीस्ट आ गया, कम अज़ कम आ गया, तो अब वो ये वाला केस है कि दोनों ही एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन एक साथ में है, फहद भी है और साथ में दूसरा भी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन है। अच्छा, अब हमें कहा गया है कि मंसूर फहद के साथ नहीं हो सकता ना, तो इसमें मंसूर तो कट गया आपका। ठीक है जी, अब इन ये जो बाकी तीन हैं उसमें हाशिम जमाल और कलीम है, इनमें से दो हो सकते हैं, ठीक है, तीसरा नहीं हो सकता। उसकी क्या वजह है कि देखें ना, ताहिर के साथ जो है या हाशिम होगा या कलीम होगा, तो बिलफर्ज़ अगर ताहिर हाशिम के साथ है तो फिर फहद के साथ जमाल और कलीम हो सकते हैं। ठीक है जी, और अगर ताहिर के साथ कलीम है तो फिर फहद के साथ हाशिम और जमाल हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं कि ऑप्शंस हमें क्या क्या गिवन है। हाशिम एंड वकार, पहली बात वकार इनएक्सपीरियंस है तो ये तो आपका गलत हो गया। मंसूर नहीं हो सकता, हमें पॉइंट्स में दिया है, अगेन इसमें भी मंसूर है तो ये भी गलत है, तो आपके पास जमाल एंड कलीम आ गया। ठीक है जी, अगर ये आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल जो दूसरा ऑप्शन होता, हमने क्या कहा कि दूसरा कौन सा ऑप्शन है, एक तो जमाल एंड कलीम में है, दूसरा है हाशिम एंड जमाल, अगर इधर आपके पास कोई हाशिम जमाल ऑप्शन होता तो वो भी ठीक होता। ठीक है जी, तो इसमें आपके पास ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, इफ हाशिम इज नॉट असाइंड टू एनी टीम देन जमाल मस्ट बी असाइंड टू अ टीम विद। अच्छा, आप देख तो देखिए ताहिर सिर्फ हाशिम या कलीम के साथ हो सकता है, अब हाशिम तो है नहीं तो ताहिर और कलीम का एक ग्रुप है, इधर मैं एक ग्रुप में लिख लेता हूँ ताहिर और कलीम। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है का मतलब ताहिर और कलीम एक ग्रुप हो गया। दूसरा हमने कहा कि जब भी एक एक्सपीरियंस और एक इनएक्सपीरियंस हो तो आपके पास फहद और सलमान भी हो जाएंगे, तो फहद और सलमान को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, क्योंकि जो है ये फिर हमने काट लिया था, क्योंकि ताहिर फिर जो है हाशिम और कलीम के साथ था तो ताहिर फहद के साथ फिर नहीं हो सकता था, तो मतलब फहद के साथ सिर्फ सलमान ही रह गया, क्योंकि हाशिम एक एक्सपीरियंस है, तो जब एक एक्सपीरियंस चला गया तो आपके पास चार एक्सपीरियंस और चार इनएक्सपीरियंस रह गए, यानी कि हर एक ग्रुप में एक एक्सपीरियंस और एक इनएक्सपीरियंस रह गया। अच्छा, पूछा क्या गया था कि जमाल के साथ कौन सा होगा। ठीक है जी, कौन कौन रह गए जमाल के साथ, देखें रहमान रह गया, ठीक हो गया, और आपके पास वकार रह गया। अब इधर आपको गिवन है कि जमाल और रहमान आपस में साथ में नहीं हो सकते, तो जाहिर सी बात है जमाल के साथ वकार ही होगा, तो इधर जो आपसे पूछा गया था कि जमाल के साथ कौन होगा, तो फिर जमाल के साथ आपके पास वकार ही होगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका ठीक है। थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करने में इंतहाई कंजूसी करते हैं, तो इसमें आपका कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ और इस वीडियो को शेयर भी करते रहें। थैंक यू।